हाँ जी भाई लोगों, तो क्या हाल चाल। आई होप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। लास्ट टाइम जब आपसे मुलाकात हुई थी तो अपन बात कर रहे थे क्लास 10 मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। अपन ने टोटली कवर किया था सिलेबस को कि कितने चैप्टर्स हैं। वहाँ पर अपन ने डिस्कस किया कि 14 यानी 14 यानी 14 चैप्टर हैं जिनमें 80 नंबर का पेपर, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलने वाला है। कौन सा चैप्टर कितने नंबर का, किस चैप्टर में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने कितने मार्क्स के आएंगे, ये सारी बातें अपन ने डिस्कस कर ली। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट जाओ और वो देखो ताकि आपको एक पता लग जाए, एक माइंड में इमेज बन जाए कि हमें अब कैसे पढ़ना है, ठीक है, आने वाले टाइम में। वैसे भी टाइम कम ही बचा हुआ है। तो अभी आज अपन बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है रियल नंबर। तो करते हैं स्टार्ट। देखिएगा, अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। देखो चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात करें तो इसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर, देखो रियल नंबर, रियल नंबर हिंदी में बोले तो वास्तविक संख्या, ठीक है। अब देखो ये इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। रियल नंबर पढ़ने से पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा नंबर सिस्टम। क्या पढ़ना पड़ेगा? नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। देखो नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। अब देखो नंबर सिस्टम क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से, एक एक चीज अपन बारीकी से कवर करेंगे जीरो से, ठीक है। रियल नंबर ये चैप्टर आपको पता ही है, 4 नंबर का वेटेज कवर करता है, ठीक है। तो रियल नंबर बोलते हैं हिंदी में वास्तविक संख्या। नंबर सिस्टम अपन पढ़ने वाले हैं रियल नंबर पढ़ने से पहले। नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलेंगे संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम होता क्या है, देखो ध्यान से, अपनी मैथमेटिक्स में जो पूरा का पूरा गेम है ना वो नंबर्स का है। किसका है? नंबर्स का। नंबर्स की बात करें तो बहुत सारे नंबर्स हैं। प्लस में भी नंबर्स होते हैं, माइनस में भी होते हैं, जीरो भी होता है। इसके अलावा बात करें तो बटे वाली संख्या भी होती है, पॉइंट वाली संख्या भी होती है, और भी बहुत सारी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम में कि सर एक एक नंबर को अपन पढ़ने वाले हैं कि कौन सा नंबर क्या कहता है। देखिएगा तो सुनो ध्यान से, सबसे पहले अपन जो पढ़ने वाले हैं नंबर वो है नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, अब देखो नेचुरल नंबर हिंदी में बोले तो प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। देखो ध्यान से, प्राकृत संख्या किसे कहेंगे, नेचुरल नंबर किसे कहेंगे। नेचुरल नंबर वो नंबर होता है जो एक से स्टार्ट हो, एक के बाद में आपको पता है दो आएगा, फिर तीन, फिर चार, ऐसे चलता रहेगा। तो नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, वह संख्या जो एक से स्टार्ट हो और अनंत तक चले। कहाँ तक चले? अनंत तक चले, इन्फिनिटी तक चले। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक चले, अनंत तक चले, उसे अपन क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर कहेंगे, ठीक है। कई लोग, आपको कई बुक्स में आपने पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जिसका उपयोग हम वस्तुओं के गिनने के लिए करते हैं। तो वो भी बात सही है, ठीक है, एक ही बात है। बट हम तो बुकिस लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। बुकिस लैंग्वेज का मतलब किताबी ज्ञान, तो उसको इसी तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो वह संख्या जो एक से शुरू होती हो, अनंत तक चलती हो, इन्फिनिटी तक, प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं उसे। नंबर सिस्टम में अपन मैथमेटिक्स के जितने भी नंबर है 10 12 15 उतने सारे कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर नेचुरल था, आगे देखिएगा। सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर आता है प्राकृत संख्या के बाद में नंबर आता है वॉल नंबर। कौन सा नंबर? वॉल नंबर। वॉल नंबर क्या होता है, सुनो ध्यान से। देखो वॉल नंबर किसे कहेंगे, वॉल नंबर हिंदी में बोलते हैं इसे पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। अब देखो पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, मुझे पता ही है, मोबाइल हिल रहा है बट क्या करें, इसको लगा रखा है स्टैंड पर। वोल नंबर पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, सुनना ध्यान से। पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो जीरो से स्टार्ट हो। कहाँ से? जीरो से स्टार्ट हो। जीरो के बाद में आपको पता है वन आता है, टू आता है, थ्री आता है, ऐसे कहाँ तक चलता है? अनंत तक, इन्फिनिटी तक चलता है, ठीक है। कहाँ तक चलता है? अनंत तक चलता है। एक बार अनंत के बारे में भी सुन लो, अनंत, इन्फिनिटी एक वह पॉइंट होता है जिसका कोई हमेशा पता नहीं है। आप किसी भी डायरेक्शन में चलते जाओ, अनंत नाम का पॉइंट कभी भी नहीं आता। फिर इसका नाम अनंत क्यों रखा, क्योंकि जिसका कभी अंत ही ना हो, ठीक है, जिसको डिफाइन ना कर सके हम लोग, पता ना लगा सके। तो पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो जीरो से शुरू हो, अनंत तक चलती है, पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। ये थी पूर्ण संख्या। नंबर तीन पर बात करें तो फिर आता है पूर्णांक। इंग्लिश में बोलेंगे इंटीजर। क्या बोलेंगे? इंटीजर। तो देखो इंटीजर नंबर किसे कहेंगे, इंटीजर नंबर हिंदी में बोलेंगे पूर्णांक संख्या, ठीक है, पूर्णांक संख्या। अब देखो पूर्णांक संख्या क्या होगी,
अभी आप लोगों ने पढ़ा कि सर जो सबसे पहले नेचुरल नंबर था वो वन से स्टार्ट हो रहा था, वन के बाद में टू आ रहा था, फिर थ्री, ऐसे कहाँ तक चल रहा था? अनंत तक। तो एक चीज़ क्लियर हुई है सारे बच्चों को कि सर ये एक से लेकर इन्फिनिटी तक जो नंबर है ना, एक से अनंत तक, ये सारे के सारे नंबर प्लस वाले हैं। प्लस वाले का मतलब हिंदी में बोले तो धनात्मक संख्या है। कैसी संख्या है? धनात्मक संख्या है, या फिर इंग्लिश में बोले तो पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर है। अब सुनना ध्यान से, तो इंटीजर नंबर अपन पढ़ रहे हैं, पूर्णांक संख्या। सबसे पहले अपन ने प्राकृत संख्या पढ़ी थी जो कि एक से शुरू होती है, अनंत तक। फिर बाद में अपन ने पढ़ा था वोल नंबर जो जीरो से शुरू होता है। तो अपन ने प्राकृत में जब जीरो ऐड कर दिया तो वोल नंबर पूर्ण संख्या बन गई। अब इंटीजर किसे कहेंगे? इंटीजर नंबर वह नंबर होता है, पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है जिसमें प्लस की संख्या, माइनस की संख्या, तो देखो माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, इस तरीके से ये चलता रहेगा। कहाँ तक चलेगा? अनंत तक। तो इधर का जो अनंत है वो प्लस का अनंत है। कैसा अनंत है? प्लस का। इधर की जो संख्या है सारी की सारी वो माइनस की संख्या है। ठीक है, ये माइनस की है जिसको अपन बोलेंगे ऋणात्मक, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो वापस सुन लो, पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है जिसमें प्लस माइनस और जीरो, प्लस माइनस और जीरो शामिल हो, उसे अपन क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर बोलेंगे। क्लियर है? क्लियर, वापस कर लो, प्लस माइनस और जीरो शामिल हो उसको इंटीजर पूर्णांक कहते हैं। प्लस की संख्या एक से अनंत तक होती है, जीरो आप जानते हो ही, और जीरो से पहले माइनस की संख्या आती है। ठीक है, तो ये इस रेखा पर अपन नंबर्स को दर्शाते हैं। आपको एक चीज़ और बताऊँ, तो अगर आपको कोई पूछे इंटीजर कितने टाइप के होते हैं तो आपको दो टाइप के बताने, एक तो पॉजिटिव इंटीजर, कौन सा इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर, और सेकेंड है नेगेटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, जीरो भी आपको बताए इसमें शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर की बात करें तो तीन नंबर अपन ने पढ़ लिए। आगे बात करें तो देखो, प्राकृत संख्या पढ़ ली, पूर्ण संख्या पढ़ ली, पूर्णांक संख्या पढ़ ली, अब पढ़ लेते हैं सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या। देखो सम संख्या किसे कहेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे इवन नंबर। कौन सा नंबर? इवन नंबर। सुनना ध्यान से, सम संख्या किसे कहेंगे? अगर किसी संख्या का इकाई का अंक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, परिभाषा नहीं लिखूंगा, इकाई का अंक, इकाई के अंक को बोलेंगे यूनिट डिजिट। क्या बोलेंगे? यूनिट डिजिट। अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो अपन उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि मैं बोलूँ 12, 6, 16, 18, 28, 24, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, तो इनमें यूनिट डिजिट कौन है? देखो मैं आपको थोड़ा सा और बेसिक से समझा देता हूँ, वैसे तो आपको आता है। देखो नंबर्स हमेशा राइट साइड से पट जाते हैं, जैसे ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, ये लेफ्ट साइड है तो मैंने एरो का साइन इधर कर दिया, ध्यान से देखो, और ये राइट साइड है तो मैंने इस तरफ कर दिया, तो नंबर्स हमेशा राइट से पट जाएंगे। तो ये 8 जो है वो क्या है? इकाई का अंक, यूनिट डिजिट है। फिर ये टेंस है, वंस टेंस, इकाई दहाई। ठीक है, ऐसे है। तो अगर इकाई का अंक दो, अगर इकाई का अंक देखो 0, 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसे अपन क्या बोलेंगे? सम संख्या कहेंगे। ठीक है, तो आई होप सम संख्या आपको समझ आ रही होगी। तो वापस समझ लो, सम संख्या किसे कहेंगे? वह संख्या जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, सम संख्या कहलाती है, इवन नंबर कहलाता है। अब एक चीज़ और क्लियर हुई कि सर अगर किसी का भी नंबर 0, 2, 4, 6, 8 होगा ना, इकाई का अंक, उसमें दो का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो ये दो की डिविजिबिलिटी का रूल हो गया, दो की भाजकता का नियम हो गया। क्या नियम हो गया? दो की भाजकता का नियम, कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो उसमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है, इसे दो की भाजकता का नियम कहते हैं। किसी क्लास में आपको भाजकता के नियम भी पढ़ा देंगे। ठीक है, तो आपको फिर नंबर्स को काटना आ जाएगा इजीली। नंबर देखो आगे 5 नंबर है, सम संख्या के बाद में अपन पढ़ेंगे विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या। तो भाई लोगों देखो सारे ध्यान से, विषम संख्या क्या है? विषम संख्या इंग्लिश में बोलेंगे ओड नंबर। कौन सा नंबर? ओड नंबर। देखो मैं थोड़ा सा लाइटली लिख रहा हूँ ताकि ये हिले नहीं, आपको बढ़िया तरीके से समझ आए। विषम संख्या ओड नंबर किसे कहेंगे? इसी का जस्ट अपोजिट है, सम संख्या का अपोजिट। कैसे? अगर किसी संख्या का इकाई का अंक, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक कैसे 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 नहीं हो, वापस समझो,
विषम संख्या ओड नंबर किसे कहेंगे? अगर किसी संख्या का इकाई का अंक यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 8 नहीं हो उसे ओड नंबर विषम संख्या कहेंगे। जैसे कि जैसे मैंने लिखा 33, 11, 13, 15, 17, 19, 21। तो यहाँ पर जितनी भी संख्या है इन सब का इकाई का अंक इस गोले में जितनी भी संख्या लिखी हुई ना 0, 2, 4, 8 उनमें से कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, 5 है, 3 है, 1 है, 3 है। ठीक है, अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 8 होता तो वो सम होती, अगर नहीं है इकाई का अंक इनमें से कोई भी तो यह है ओड यानी कि विषम। क्लियर है, तो 5 नंबर पढ़ लिए। अब आगे जो नंबर पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो क्लियरली बड़े ध्यान से पढ़ना। 5 नंबर पढ़ लिए, ये तो बेसिक था, आजकल ये 4th क्लास में बच्चे को पढ़ा दिया जाता है। और रियल बात तो ये है, अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो उसको 3rd या 4th क्लास में रेशनल नंबर पढ़ा दिए जाते हैं, इंटीजर्स भी पढ़ा दिए जाते हैं। ठीक है, हमें कहाँ 7th 8th में जाकर पढ़ने पड़े थे इंटीजर। तो 5 नंबर पढ़ने पढ़ लिए हैं, वापस देख लो। सबसे पहले नेचुरल नंबर पढ़े, होल नंबर पढ़े, इंटीजर पढ़े, इवन पढ़े, ओड पढ़े। 5 नंबर पढ़ लिए हिंदी और इंग्लिश हर तरीके से। क्लियर है, नेक्स्ट देखो। 6 नंबर की बात करें तो सुनना ध्यान से, 6 नंबर पर जो नंबर आता है दैट इज रेशनल नंबर। कौन सा नंबर है? रेशनल। देखो मैं थोड़ा सा लाइटली लिखने का ट्राई करूंगा, आप समझने की कोशिश करना। रेशनल को बोलेंगे परिमेय संख्या। कौन सी संख्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। सुनो ध्यान से सुनना, परिमेय संख्या किसे कहेंगे? परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे पी बाई क्यों के रूप में लिखा जा सके, जिसे पी अपॉन क्यों, पी बटे क्यों या पी बाई क्यों के रूप में लिखा जा सके, के रूप में लिखा जा सके। छोटी क्लासों के बच्चों को इजीली कैसे समझाएंगे? वह संख्या जिसे बटे के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय संख्या है। लेकिन अब थोड़ा सा आप 10th में आ गए हो, पूरा टॉपिक ही इसी पर बेस है, पहला चैप्टर रेशनल नंबर पर बेस है पूरा का पूरा। अगर ये समझ आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो भाई साहब दिक्कत है। रेशनल नंबर परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे पी अपॉन क्यों, पी बटे क्यों या पी बाई क्यों के रूप में लिखा जा सके, जहां पी और जो आपका क्यों है वो पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या मतलब इंटीजर्स है। क्या है? इंटीजर्स है। तो कई हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं आपको इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी भी लिखा रहा हूँ। टर्मिनोलॉजी मतलब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे ये भी लिखवा रही, तो आप इन चीज़ों को अपने नोट्स में ऐड करें। ठीक है, तो पी कोमा क्यों क्या, पी और क्यों क्या है? पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स है। अब आपको पता है इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो संख्या होती है जिसमें प्लस माइनस और जीरो शामिल हो। ये क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। प्लस की सारी संख्या, माइनस की सारी संख्या और जीरो क्या होते हैं? इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या होती है, अभी हमने पढ़ा था। इसमें एक टर्म और है कि सर जो क्यों है उसकी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो अगर मैंने लिखा क्यों बराबर जीरो, कहने का मतलब क्यों की वैल्यू जीरो, और अगर मैंने इस इक्वल के साइन को काट दिया मतलब क्यों की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? जीरो नहीं होनी चाहिए। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब और सुनो इसको थोड़ा सा डिटेल में। अब क्वेश्चन आपका ये रहना चाहिए सर इस क्यों की जगह आप जीरो क्यों नहीं रख रहे हो, तो सुनो ध्यान से। जबकि जीरो तो क्या है? इंटीजर, अभी आपने बताया। देखो पी की जगह मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो दो, इधर ही समझ लो इधर ही। ठीक है, इधर समझ लो मैंने ले लिया दो। अब आप कह रहे हो सर क्यों की जगह आप जीरो ले, जीरो तो किसी भी नंबर में, दो की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, किसी भी नंबर में अगर आप जीरो का भाग देते हो या जीरो से डिवाइड करते हो तो जो रिजल्ट आएगा वो अनंत आएगा, इन्फिनिटी आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो इन्फिनिटी क्या है? अनडिफाइंड वैल्यू है, इसलिए हम लोग क्यों की जगह जीरो नहीं रखते। एक एग्जाम्पल और सुनो सर, क्या पी की जगह जीरो रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं। पी की जगह मैंने जीरो रख दिया, क्योंकि जगह मुझे क्या रखना है? एक रख लिया मान लो, क्योंकि किसी भी नंबर में एक का भाग देंगे, एक से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर खुद ही आएगा। तो जब जीरो में आप एक का भाग दोगे तो जीरो आ जाएगा। तो जीरो क्या हो गया? एक परिमेय रेशनल नंबर हो गया। ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ध्यान रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट कन्फ्यूज वाली क्या है पॉइंट है। क्लियर है, तो रेशनल नंबर परिमेय संख्या किसे कहेंगे? वह संख्या जिसे पी अपॉन क्यों के रूप में लिखा जा सके। पी और क्यों क्या है? पूर्णांक संख्या है, इंटीजर्स है। इंटीजर्स क्या होते हैं? प्लस माइनस और जीरो की संख्या इंटीजर्स होती है। इस क्यों की बटे में जो क्यों है उसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? उसका रीजन ये है, अगर जीरो का भाग किसी भी नंबर में जाएगा तो अनंत आंसर आएगा। लेकिन पी की जगह आप जीरो रख सकते हो, क्योंकि आप बटे में एक लगाते हो और बटे में एक लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखो।
प्लस की जितनी भी संख्या है, प्लस का एक, प्लस का दो, प्लस का तीन, ऐसे कहां तक, अनंत तक, ये सारी संख्या क्या है, रेशनल। कैसे समझाता हूं, एक उदाहरण से। एक है, आप इसे एक के नीचे क्या लगा सकते हो, एक। दो है, दो के नीचे एक लगा लो, तीन के नीचे एक लगा लो, ऐसे बट्टे में एक लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस की संख्या देखो, माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस का तीन, ऐसे माइनस का चार, ऐसे अनंत तक चलता रहेगा। तो मेरी बात सुनो, माइनस की जो जितनी भी संख्या है उसके नीचे भी आप एक लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यू नो वेरी वेल अगर हम एक से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को तो वो नंबर ही आता है। ठीक है, तो अभी देखा था जीरो में एक का भाग दे तो जीरो, ऐसे -3 में एक का भाग देंगे तो -3, ऐसे -2 में एक का देंगे तो -2 ही। ठीक है, तो प्लस की सारी संख्या रेशनल हो गई, परिमेय हो गई, माइनस की सारी संख्या परिमेय हो गई, जीरो भी आपका परिमेय है, तो जीरो भी इसके एग्जाम्पल में आया था, अभी समझाया था, क्योंकि जीरो के नीचे एक लग सकता है। तो जिस भी नंबर को आप पी बटे क्यों के रूप में लिख सको वो क्या है, रेशनल है। और सुनो, प्लस माइनस और जीरो के अलावा, जैसे आपने लिखा 2/3, ये भी परिमेय है क्योंकि पी बटे क्यों मिल गई, -2/3 ये भी परिमेय है, 2/-3 ये भी परिमेय है। ठीक है, तो हर तरीके का। और सुनो, इसके अलावा आपने 22/7 लिखा, 22/7 का मतलब पी बटे क्यों हो गया, मतलब ये रेशनल परिमेय हो गया। क्लियर है, अब एक चीज सुनना इधर ध्यान से, आपको सर एक पाई पढ़ाते हैं, पाई, ठीक है, पाई की वैल्यू सर बताते हैं आपको 3.14, और फिर बताते हैं सर कि ये 1.14 है ना, इसके बाद में वैल्यू रिपीट होती रहती है। ठीक है, और सर कभी कभी आपको क्या बताते हैं, वैल्यू को यानी कि क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने के लिए 3.14 ना रखवा कर पाई की वैल्यू 22/7 करते हैं, 22/7। तो 22/7 क्यों करते हैं, सुनो, 22 में जब 7 का भाग दे तो देखो 7 3 21, 1 बच गया तो 10 हो गए, 10 हो गए तो 7 × 7 3 बच गए, 7 × 28, तो 22/7, 22 में जब 7 का भाग दोगे तो 3.14 ही आएगा। क्लियर है, 3.14 आएगा, तो 3.14 आएगा, ये तो बात सही है, लेकिन बात यहां से क्या क्लियर हो रही है कि सर जब 22/7 सोल्व होगा ना तो 3.14 आएगा, इसके आगे एक दो नंबर और आएंगे और फिर वैल्यू यहां पर आकर खत्म हो जाएगी। क्लियर है, तो 22/7 इसलिए क्या हो रहा है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, लेकिन पाई की वैल्यू 3.14 डेज 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 यानी कि ये 14 रिपीट हो रहा है, पता नहीं कहां तक रिपीट हो रहा है, कोई अंत नहीं है इसका। तो इसलिए जो पाई है वो कैसा नंबर है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर है, ये चीज ध्यान रखना। तो हमेशा क्या ध्यान रखना, अगर पॉइंट के बाद में नंबर रिपीट हो रहा है तो वो अपरिमेय है, पॉइंट के बाद में नंबर रिपीट नहीं हो रहा और हो रहा है तो एक फिक्स वैल्यू तक, तो वो परिमेय है। ठीक है, तो 22/7 क्या हो गया, रेशनल परिमेय हो गया। और चीजें सुनो ध्यान से, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, अगर बात ही आ गई तो, एक ई नाम की वैल्यू और होती है, उसकी वैल्यू 2.14 ऐसे कुछ होती है, 2.14 समथिंग अराउंड इसकी के बराबर होती है। फिर उसके बाद में ये जो 14 है वो रिपीट होता रहता है। ठीक है, जैसे पाई अपरिमेय है वैसे ही ई भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये 11th में आपको टीचर्स बता देंगे ई क्या होता है। तो ई की वैल्यू लगभग 2.14 होती है, 14 रिपीट होता रहता है, जो भी संख्या पॉइंट के बाद में रिपीट हो रही है वो क्या होगी, अपरिमेय होगी। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। क्लियर, थोड़ा सा और बात करते हैं सर, प्लस की संख्या परिमेय हो गई, माइनस की संख्या परिमेय हो गई, जीरो परिमेय हो गया, बटे की संख्या प्लस में माइनस में नीचे वाला माइनस में परिमेय हो गया, 22/7 परिमेय हो गया, पाई और ई अपरिमेय है, सर ने बता दिया। क्लियर है, और सुनो ध्यान से डिटेल में, क्या समझ आई आपको कि सर जैसे मैंने लिखा सर ने 1.2, क्या 1.2 परिमेय यानी कि रेशनल है क्या, चेक करते हैं सर। 1.2 का आप पॉइंट हटा सकते हो, कैसे, ऊपर 12 का 12 लिख लो, पॉइंट हटाए तो पॉइंट के बाद में एक अंक है तो नीचे आप जीरो लगा लो, अगर यहाँ पर एक अंक और बढ़ाते हो तो नीचे एक जीरो और बढ़ जाएगा, फिर एक अंक यहाँ बढ़ाते हो तो नीचे एक जीरो जाएगा। तो पॉइंट की संख्या को अपन पी बटे क्यों के रूप में लिख सकते हैं, ये क्या है, पी है और ये क्या है, क्यों। तो अगर ऐसी कोई भी संख्या है जिसे पी बटे क्यों के रूप में लिखा जा रहा है, इट मीन्स वो क्या है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है। तो पॉइंट की जितनी भी नंबर्स है, चाहे वो 1.2 हो, 1.6 हो, 21.6 हो, कुछ भी हो, वो सारी की सारी क्या है, वो रेशनल नंबर है। क्लियर हो गई बात। अब रूट की कुछ संख्या देख लो, अगर मैंने रूट के अंदर 4 लिखा, 9 लिखा, 16 लिखा, ऐसे ही 25 लिखा, ऐसे समझ गए आप मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, मैं लिखना चाह रहा हूँ स्क्वायर रूट। अब देखो, रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, रूट 9 की 3, 16 की 4, 25 की 5, ऐसे चलता रहेगा।
तो क्या आप इन नंबर्स को पी बटे क्यों के रूप में बना सकते हो क्या? बिल्कुल बना सकते हो। कैसे सर? इनके बटे में एक लगा लेंगे, और अगर अपॉन में अगर एक लग रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये √4, √9, √16, √25 ये क्या हो गए? रेशनल हो गए। तो जिस भी रूट की वैल्यू एग्जैक्टली आपको पता है, एग्जैक्ट वैल्यू होती है उसकी, वो रेशनल है, बाकी सारे इरेशनल है। तो ये था रेशनल नंबर। ध्यान रखने वाली बात एक तो रूट की थी और ये पॉइंट की थी। पॉइंट वाला वापस समझ लो, पॉइंट के बाद में अगर फिक्स नंबर हो तो वो परिमेय है। जैसे 3.14 यहाँ पर आकर खत्म हो जाएगा, तो ये क्या है? परिमेय है, परिमेय है, रेशनल है। क्या है? रेशनल। लेकिन 3.14 जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है, वो डेस डेस डेस, यानी कि ये नंबर जो 1.4 है वो रिपीट हो रहा है, बहुत आगे तक रिपीट हो रहा है, कोई अंत नहीं है इसका, इसलिए ये अपरिमेय है। ठीक है, ऐसे 2.14 में 1.4 भी बहुत रिपीट हो रहा है, इसलिए अपरिमेय है। क्लियर है? 6 नंबर अपन ने पढ़ लिए। छठवा नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसमें टाइम कंज्यूम किया है। नेक्स्ट देखो 7 नंबर। 7 नंबर अपन पढ़ रहे हैं अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय। अपरिमेय इंग्लिश में बोलेंगे इरेशनल। क्या बोलेंगे? इरेशनल बोलेंगे। मैं थोड़ा लाइटली लिख रहा हूं। अपरिमेय देखो, इरेशनल किसे कहेंगे? इरेशनल नंबर देखो ध्यान से किसे कहेंगे? अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे पी बटे क्यों के रूप में नहीं लिखा जा सका। वापस समझ लो, अपरिमेय इरेशनल नंबर वह नंबर होता है जिसे पी बटे क्यों के रूप में नहीं लिखा जा सकता। वहीं पी और क्यू इंटीजर्स होंगे, ठीक है, क्योंकि वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ये तो आपको पता ही है। अगर हो गई तो इन्फिनिटी आंसर आता है, जो कि अनडिफाइन है। क्लियर है? देखो एग्जाम्पल देखो इसके। जैसे मैंने लिखा 3.14 डेस 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 डेस, 2.14 डेस डेस डेस, ये पाई की वैल्यू होती है, ये ई की वैल्यू होती है। ठीक है, तो जितने भी नंबर पॉइंट के बाद में रिपीट हो रहे हैं, जिनके पॉइंट हटाया नहीं जा सकता, मतलब इनको पी बटे क्यों के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो ये अपरिमेय है। क्लियर है? और देखो मैंने लिखा रूट के अंदर 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, ऐसे समझ गए। तो रूट की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, जैसे 4 की 2, 9 की 3, तो ये 4, 9, 16, 25, 36, ये तो क्या हो गए? रेशनल नंबर हो गए। लेकिन जिनकी वैल्यू नहीं आती वो क्या हो गए? अपरिमेय। अब ध्यान सुनो, रूट एक की वैल्यू एक ही होती है, तो एक क्या हो गया? इधर लिखवाया था एक, परिमेय हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो रूट दो से पहले रूट अगर एक सोच रहे हो, तो रूट एक का मतलब एक ही होता है। एक के साथ आप कुछ ही कर लो, इसको उल्टा सुलटा कुछ ही कर लो, इसके साथ कुछ भी कर लो, एक के साथ आंसर एक ही बनता है। तो रूट के अंदर एक की वैल्यू एक ही होती है, और एक आपको पता है परिमेय संख्या होती है, तो इसको यहाँ से हटा लो। क्लियर है? तो ये आपके क्या हो? एग्जाम्पल हो गए अपरिमेय इरेशनल के हो गए। तो नंबर 7 पढ़ लिए। नेक्स्ट नंबर जो पढ़ने वाले हैं वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो देखो एक बार मैं पेज को सेट कर देता हूँ, आप ले सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर और कर देते हैं, नीचे वाले पेज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो लेना चाहो तो। एक बार और चेंज कर लेते हैं पेज को, देखिएगा ऊपर से रेशनल नंबर के बारे में आप लिख सकते हो, ऑल दो आप नोट साथ साथ लिख रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और नीचे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर है? बाकी टेलीग्राम पर अपना चैनल है शिक्षा सफर के नाम से, वो ज्वाइन कर लो, वहाँ पर अपने नोट्स फ्री में अवेलेबल है जो पेज पर लिखे हुए हैं। क्लियर है? बहुत जल्दी बोर्ड पर स्टार्ट करेंगे, बट कुछ इश्यू हैं इसलिए नहीं कर पा रहे। देखो अब कितने नंबर पढ़ लिए टोटल? टोटल नंबर पढ़ लिए 7। अब नेक्स्ट जो नंबर आ रहा है वो देखो क्या है, नेक्स्ट जो नंबर आ रहा है वो है नंबर 8। तो देखो एक बार वापस पढ़ लेते हैं, अपन ने प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, परिमेय, अपरिमेय पढ़ ली। अब पढ़ेंगे अपन भाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे? भाज्य संख्या। देखो भाज्य संख्या क्या होती है, सुनना ध्यान से। भाज्य संख्या इंग्लिश से बोलेंगे कंपोजाइट नंबर। क्या बोलेंगे? कंपोजाइट नंबर। सुनो ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाज्य संख्या, लॉजिक लगेगा इसमें, समझ लो ढंग से। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें स्वयं का, यानी कि खुद का भाग जाए, एक का भाग जाए, खुद का भाग जाना चाहिए, एक का भाग जाना चाहिए, इसके अलावा अन्य किसी भी संख्या का, अन्य किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। पूर्णतः, एक मिनट, पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। समझो क्या लॉजिक है?
मैं कह रहा हूँ कंपोजाइट नंबर भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें खुद का भाग जाए, एक का भाग जाए, इसके अलावा अन्य कोई भी संख्या है, जितनी भी संख्या उसमें उसका एक बार पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। जैसे कि अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपनी मैथमेटिक्स में जितने भी नंबर है ना, गणित में जितने भी नंबर है, उनमें सब में खुद का भाग जाता है। यानी कि जैसे मैंने लिखा एक, एक में खुद का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 1/1 एक ही होता है। ऐसे ही 2 में खुद का जाएगा, 2/2 कितना होता है, एक ही होता है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, जितनी भी संख्या है मैथमेटिक्स में सब में खुद का भाग जाता है, एक का भी जाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 6, 6 में एक का भाग जाएगा, 6 ही आ जाएगा। 7 एग्जाम्पल लिया, 7 में एक का भाग जाएगा, 7 ही आ जाएगा। तो जितनी भी गणित में नंबर्स है उनमें खुद का भी भाग जाता है, एक का भी जाता है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब सुनो, भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें खुद का भाग जाए, एक का भाग जाए, तथा अन्य किसी भी संख्या का एक बार कम से कम पूरा पूरा भाग जाए। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 22, तो क्या 22 को चेक करें क्या भाज्य संख्या होती है, कैसे होती है? देखो, 22 में खुद का भाग जाएगा क्या? 22 में 22 का भाग जाएगा एक बार। क्या 22 में एक का भाग जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा, 22 बार। क्या 22 में किसी और का भाग जाता है क्या? बिल्कुल जाता है सर, 2 का जाता है पूरा पूरा 11 बार। ऐसे ही सर 22 में 11 का भी जाता है सर, कितनी बार? 2 बार। तो अपने तो 2 संख्या ढूंढ ली, एक ही ढूंढनी थी कि पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो 22 क्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई, कंपोजाइट नंबर हो गया। इसके अलावा और देखो, जैसे मैंने लिया 33, 33 में खुद का भी जाता है, एक का भी जाता है, इसके अलावा किसी का जाता है क्या? 33 में सर 11 का जाता है, 11 × 22, 11 × 33, 3 बार। क्लियर है? ऐसे ही 3 का भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये बात थी भाज्य संख्या की। ऐसे भाज्य संख्या के बहुत सारे एग्जाम्पल है। 8 के बाद में नंबर 9 पर देखो, अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। सुनो ध्यान से, अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे प्राइम नंबर। इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। देखो, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें केवल खुद का भाग जाए, केवल स्वयं का भाग जाए और एक का भाग जाए, बाकी किसी का भी भाग नहीं जाए, वो संख्या क्या होगी? अभाज्य प्राइम नंबर होगा। एग्जाम्पल देखो इसके, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने लिखा 2। क्या 2 में खुद का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है, 2 को चेक करो, 2 में खुद का भाग जाता है, 2 में 2 का भाग जाएगा एक बार। क्या 2 में एक का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है, 2 बार। बाकी किसी और का जाता है क्या? नहीं जाता। तो अभाज्य प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसमें केवल खुद का भाग जाए और एक का भाग जाए, वो अभाज्य प्राइम नंबर होता है। ऐसे ही 3, 2 के बाद में 3, ऐसे ही 5, ऐसे ही 7, फिर 8 में जाता है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 है, 13 है, 14, 15, 16, 17 है, 18, 19, 19 है, 20, 21, 22, 23, 23 है, 24, 25, 26, 27, 28, 29 है, 30, 31, 31 में जाता है क्या? नहीं जाता। 33 में जाता है, 34, 35, 36, 37, 38, 37 है, 38, 39 है, नहीं 39 में जाता है, 40, 41 है, 42, 43 है, 44, 45, 46, 47, 47 है, 48, 49, 50, 51, 52, 53 है, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 9, 10, 10, 4, 13, 59 भी है, 60, 61, 61 भी है, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67 है क्या? 67 भी है, 68, 69, 68 के बाद में 69, 68 है क्या भाई? चेक करो 68 को, 68 को चेक करो, देखो 6, 6, 12, 1, 13, 68 भी, 68 है, 68 के बाद में 69, 69 में चेक करो, 69 भी है, 70, 71, 71 हो गया, 73 हो गया, बाद में 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79 को चेक करो, 9 और 1, 10, 6, 16, 79 हो गया, 80, 81, 81 में जाता है, 82, 83, 83 में जाता है या नहीं जाता, 84, 85, 86, 87, 87 को चेक करो, 87 में जाता है, 88, 89, 89 को चेक करो, 89 में नहीं जाता, 90, 91, 91 जाता है क्या भाई? कि कौन सी टेबल में 91 आता है चेक करो, 91 नहीं आता, 93 जरूर आता है ना, 91 आता है 11 की टेबल में। देखो 11 × 55, 11 × 66, 11 × 77, 11 × 88, 11 × 99 होते हैं, तो 11 की टेबल में नहीं आता। तो एक बार और चेक करो, 13 की में चेक करो, 13 × 7 = 91 होता है, तो 91 नहीं आएगा। फिर 93 में चेक करो, 93 में 9, 10, 11, 12, 93 भी जाएगा, 3 का जाएगा। ठीक है,
93 के बाद में 94, 95, 96, 97, 97 चेक कर लो नहीं जाएगा, 98, 99 और 100। तो ये टोटल नंबर 1 से लेकर 100 तक के क्या लिखवाई हैं आप लोगों को, अभाज्य संख्या लिखवाई है। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी होती है, 25 होती है। कितनी होती है, 25। तो याद रखना, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी होती है, 25। अब इनको काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, sorry, 20, 21, 2, 3, 4, 5, मतलब सही है। तो 25 नंबर्स हैं 1 से लेकर 100 तक के बीच में प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। एक चीज समझ आई, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी से छोटी प्राइम नंबर कौन है, 2 है। तो ये 2 क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं आगे जाकर, इनको याद रख लेना कि 1 से 100 तक के बीच की अभाज्य संख्या प्राइम नंबर 25 है टोटल, सबसे छोटी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है 2। क्लियर है, ये 2 पॉइंट याद रखना। तो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या हो गई, ये काम में तो नहीं है कि इस चैप्टर में फिर भी पढ़ा दे क्योंकि नंबर्स है। तो टोटल 9 नंबर पढ़ लिए, ठीक है। 9 नंबर के बाद में पढ़ो सह अभाज्य संख्या, 10 नंबर। अब थोड़ा सा स्पीड से लेते हैं, आधे घंटा हो गया अपने को। देखो स्पीड से लेंगे तो देखो, अब पढ़ेंगे सह अभाज्य। क्या पढ़ेंगे, सह अभाज्य। देखो सह अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, सह अभाज्य इंग्लिश में बोलेंगे को प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। देखो ध्यान से सुनो, सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर किसे कहेंगे, वह संख्या जिसका सार्व गुणनखंड, वह संख्या जिसका सार्व गुणनखंड यानी कि जिसके फैक्टर है ना, फैक्टर गुणनखंड सिर्फ एक आए, एक के अलावा कुछ भी नहीं आए। जैसे सहभाज्य संख्या संख्याओं का वह युग्म में वह जोड़ा, वह कपल, वह पेयर होता है जिसका सार्व गुणनखंड केवल एक होता है। क्लियर है, लिख लेना अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो। एग्जाम्पल देखो, मैंने बोला सहभाज्य संख्या संख्याओं का वह जोड़ा युग्म होता है। जैसे मैंने लिया 2,3, 3,5, 5,7, तो ये मैंने तीन जोड़े ले लिए, इसे बहुत ले सकते हो। तो 2 और 3 में आप बताओ मुझे कोई सार्व गुणनखंड है क्या, सिर्फ एक ही सार्व गुणनखंड है। सार्व गुणनखंड का मतलब 2 में और 3 में सिर्फ एक का ही भाग जाता है, बाकी किसी का भी भाग नहीं जाता। ऐसे 3 और 5 में सिर्फ एक का ही जाएगा, 5 और 7 में भी सिर्फ एक का ही जाएगा। तो वो संख्या क्या होती है, सहभाज्य को प्राइम होती है। 10 संख्या आपको पढ़ाती है, 11वीं संख्या पढ़ो। अब आता है आपका चैप्टर का नाम, दैट इज रियल नंबर। क्या नंबर है, रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहेंगे, हिंदी में भी लिख लो वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, मैं लाइटली लिख रहा हूं, राइटिंग पर ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि ये हिलता है ना। रियल नंबर वास्तविक संख्या किसे कहेंगे, सुनना ध्यान से। मैथमेटिक्स में जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, सिर्फ रूट के अंदर माइनस को छोड़कर, रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -3, ऐसे, तो इन नंबर्स को छोड़कर जितने भी नंबर बच गए, चाहे वो प्लस के हो, चाहे वो माइनस के हो, चाहे वो जीरो हो, चाहे वो बटे वाली संख्या हो, चाहे वो माइनस के बटे वाली संख्या हो, चाहे वो पॉइंट वाली संख्या हो, किसी भी तरीके की संख्या हो, किसी भी तरीके की, चाहे वो रिपीट हो रही संख्या हो, इस तरीके की रिपीट होती है, तो कैसा भी नंबर हो, कैसा भी नंबर, सिर्फ इन नंबर्स को छोड़कर सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो गणित की परिभाषा क्या लिखोगी, अगर लिखना चाहो तो गणित की सब, देखो क्या लिखोगी इस तरीके की कि काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर, ये काल्पनिक संख्या है, इनको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, अभी लिखवा देंगे। काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर गणित मैथमेटिक्स की सभी संख्या क्या होती है, वास्तविक रियल होती है। क्लियर है। तो जैसे मैंने आपको पूछा कि सर माइनस का 10, आप बोलोगे सर ये नेगेटिव इंटीजर, बात सही है, नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन अपन इसको क्या बोल सकते हैं, ये रियल नंबर है। क्लियर है। 11 नंबर पढ़ा दिए, नेक्स्ट नंबर देखो 12 नंबर। थोड़ा सा देख लो, 11 नंबर तक जो था वो 10th लेवल का था, 12, 13, 14 दो तीन नंबर जो बच्चे, जैसे एक नंबर बचा सम्मिश्र संख्या, एक नंबर बचा अपना जो नहीं होता काल्पनिक संख्या, तो ये एक आधा नंबर बचा है वो, और देख लो, देखो ये 11th में चलेंगे फिर भी पढ़ लो अगर बात ही कर रहे हैं। सम्मिश्र संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या किसे कहेंगे, इसको शो करते हैं जेड से, जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी, जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी। तो देखो आयोटा क्या होता है, आयोटा, आयोटा लेटिन वर्ड है, ये एक काल्पनिक संख्या होती है। क्या होती है, काल्पनिक संख्या है। कैसी संख्या है,
काल्पनिक संख्या। अब सुनो, जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी, यहां पर आयोटा का मतलब बता दिया, ए और बी होते हैं यहां पर रियल नंबर, क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं, क्लियर। रियल नंबर अभी बता ही दिए, जितने भी गणित में नंबर वो सारे के सारे रियल है, सिर्फ इनको छोड़कर ये काल्पनिक है। तो सम्मिश्र संख्या की परिभाषा क्या होती है? वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, वास्तविक संख्या तथा काल्पनिक संख्या का जो संयोग होता है, जो योग होता है, मिश्रण होता है, उसको सम्मिश्र संख्या बोलते हैं, इनको जटिल भी बोलते हैं, क्लियर है। तो ये आगे जाकर आप 11th पढ़ लोगे, इसका चैप्टर ही आता है अलग से। आगे देखो 13 नंबर और लास्ट आई थिंक, अगर फिर भी कोई नंबर रह गया हो तो आप बता देना कमेंट में, किसी और वीडियो में कवर कर लेंगे। काल्पनिक संख्या देखो एक बार मैं वापस रिवीजन कर देता हूँ स्टार्ट से। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय, अपरिमेय, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, वास्तविक, सम्मिश्र और काल्पनिक। इसके अलावा आई थिंक मेरे हिसाब से कोई नंबर नहीं होता, मैंने मोटे मोटे तौर पर कवर कर दिया, ठीक है। काल्पनिक संख्या इंग्लिश में बोलेंगे इसे इमेजिनरी नंबर, क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर। देखो इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर किसे कहेंगे? इमेजिनरी नंबर आयोटा से शो करते हैं, आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट में -1। तो अभी जो यहाँ पर समझा रहे थे ना, उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आयोटा बराबर अंडर रूट में -1 होता है। देखो आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1 होती है, ये ध्यान रखना। अब इसका स्क्वायर करो, इस साइड स्क्वायर किया तो हो गया आयोटा स्क्वायर, इस साइड स्क्वायर किया तो हो गया रूट के अंदर -1 का स्क्वायर। तो आयोटा का स्क्वायर यानी कि आयोटा स्क्वायर बराबर स्क्वायर से रूट, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, मतलब वैल्यू आ गई -1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो आयोटा की वैल्यू पता लग गई, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता लग गई। अब आयोटा क्यूब की भी वैल्यू पता करो, आयोटा का करो क्यूब, आयोटा क्यूब होता है आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा क्यूब, इसका क्यूब हो गया आयोटा क्यूब, आयोटा को आयोटा से गुणा किया, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा क्यूब की जगह आयोटा क्यूब, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? माइनस के अंदर 1 गुणा आयोटा की जगह आयोटा, आयोटा क्यूब। तो आयोटा को -1 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया? माइनस का आयोटा, क्लियर है। आई थिंक मेरे हिसाब से मोटे मोटे तौर पर अपन ने क्या कर लिया है, सारे के सारे नंबर्स को कवर कर लिया है। एक बार वापस देख लो, काल्पनिक संख्या आयोटा बराबर रूट में -1, दोनों साइड में स्क्वायर किया, इधर स्क्वायर इधर स्क्वायर, तो इधर स्क्वायर किया तो आयोटा स्क्वायर आ गया, रूट के अंदर -1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल -1, क्यूब किया तो आयोटा का क्यूब आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा होता है। जैसे एक का क्यूब क्या होता है यार, आप समझते नहीं हो, एक का क्यूब एक इंटू एक ही तो होता है, वैसे लिखा है मैंने। तो आयोटा क्यूब, आयोटा को आयोटा से गुणा किया आयोटा स्क्वायर, आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। यहाँ से पुट करी, ये वैल्यू कहाँ से पुट करी? यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से पुट करिए, आयोटा की जगह आयोटा, आयोटा को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस आयोटा हो गया। तो ये तीन वैल्यू आप 11th में जाकर पढ़ोगे, 11 नंबर तक आपको पढ़ने हैं, नंबर 12 और 13 पढ़ते हो तो अच्छी बात है, ना पढ़ते हो तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो टोटल कितने नंबर पढ़ा दिए? 30 नंबर पढ़ा दिए। फिर भी कोई नंबर आपको नहीं समझ आए तो पूछ लेना, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, इधर ही लिखा था वो उस पेज में है। तो परिमेय संख्या वापस समझ लो, रेशनल नंबर वह संख्या होती है जिसे पी बटे क्यों के रूप में लिख सके, पी और क्यों का मतलब इंटीजर है, मतलब पूर्णांक है, क्योंकि वैल्यू आपके पास जीरो नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? नीचे जीरो रखेगी तो आंसर इन्फिनिटी अनंत आता है। आज के लिए सिर्फ सॉरी आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी। चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर वास्तविक संख्या पढ़ने के लिए जितनी भी संख्या पढ़नी चाहिए वो सारी की सारी संख्या पढ़ा दी है। अब अपन एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे और एग्जांपल सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, टिल द टाइम, जय हिंद।